नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों ने लगातार क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है। जनसंपर्क अभियान काफी तेज हो चुका है। सभी प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपना प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं। हम बात करेंगे जाप के प्रत्याशी राजू दानवीर की। हिलसा विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हिलसा में लगातार जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हिलसा के कई गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है इस दौरान राजू दानवीर ने, आप सुनिए। प्रत्याशी हैं तो क्या तैयारी आपकी चुनाव में चल रही है? चुनाव की हम लोगों की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। पूरे बूथ पर हमारे मजबूत कार्यकर्ता है, सिपाही है, और सबसे बड़ी बात है कि आज जन अधिकार पार्टी का जनाधार इतना काफ़ी सारा बढ़ चुका है कि हिलसा विधानसभा इतिहास रचने की ओर बढ़ चुका है। आज हम लोगों ने हिलसा से जोगीपुर जो रोड जाती है, इसमें जितने भी संपर्क में आ रहे गांव, करीब 20-25 जो भी गांव है, सभी गांव को हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और ये सफ़र लगातार जनसंपर्क का जारी रहेगा और जनता का जो मूड है वो परिवर्तन की ओर, हिंसा परिवर्तन की ओर। किस मुद्दे पर जनता के बीच आप जा रहे हैं? जनता के साथ तो घोर अन्याय हुआ ना। आपने कहा हम नली गली साथ निश्चय ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं तो कुछ हुआ नहीं। आधा आप 50 मीटर गली बना के पूरे गांव का पैसा निकाल दीजिए, पूरे गांव को संतावना दे दीजिएगा कि हम साथ निश्चय का योजना का काम कर चुके हैं, तो ये नहीं होने वाला है। अभी क्या है, सीधा सीधी बात है, जनता सब जान चुकी है और जनता इस बार झांसे में नहीं आने वाली है और इस बार हिलसा विधानसभा परिवर्तन की ओर है और कैंची छाप जन अधिकार पार्टी की। जनता में अब क्या रुझान देख रहे हैं? जनता में साफ रुझान है जन अधिकार पार्टी, कैंची छाप, एक ऐसा सेवक जो जनता को सेवा करता है। ऐसा सेवक नहीं जनता को चाहिए कि जो एक बार चुनाव में अपना मुंह दिखाए उसके बाद घर पर मुंह छिपा ले, जीतने के बाद वो एसी में घुले, शीशा तक न खोले, ये नहीं करे वो नहीं करे। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता से जुड़ा रहना, जनता के बीच रहना, जनता का सेवा करते रहना, ये सोच की फीलिंग है हमारे जन अधिकार पार्टी की और इस बार सेवक को चुनने जा रही है हिलसा की जनता। तो आपने तस्वीरें देखी, अलग अलग घरों में जाकर राजू दानवीर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वोट करने की अपील कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगर आप उन्हें एक मौका देंगे तो वो हालातों को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ राजू दानवीर ने ये भी भरोसा जताया है कि जो जनाधार है वो उनके तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और पप्पू यादव की पार्टी पर भरोसा भी कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो किस तरह के होते हैं, राजू दानवीर की ये बातें कितनी सच हो पाती है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।